गुड आफ्टरनून। हम प्रोजेक्शंस डिस्कस कर रहे थे, ठीक है, उसी में आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट जो है वो है डिफरेंट प्लेन्स, डिफरेंट प्लेन्स ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है, डिफरेंट प्लेन ऑफ प्रोजेक्शंस। प्रोजेक्शन के लिए जो प्लेन है, मतलब जो स्क्रीन की बात कर रहे हैं ना, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन, बार बार दिमाग में रखिए, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन बोलते बोलते चलिए धीरे धीरे बनाते बनाते पढ़ते पढ़ते आदत पड़ जाएगी। तो प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन ये कौन कौन से होते हैं उसको हम ध्यान से देखेंगे। अब जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट स्पेस में रखा हुआ है, कोई भी ऑब्जेक्ट ये स्पेस में रखा हुआ है, तो हमने अभी आपको बताया था कि मैं एक बार देख रहा हूँ तो एक ये फेस दिखाई दे रहा है, जब मुझे ये वाला फेस देखना है तो मुझे इधर से देखना पड़ेगा, फिर इधर से देखना पड़ेगा, फिर पीछे वाला इधर से देखना पड़ेगा, नीचे वाला ऐसे देखना पड़ेगा। तो मुझे हर प्लेन पे सिक्स फेसेस हैं, सिक्स हमें प्लेन होंगे, सिक्स प्लेन्स हमें देखना पड़ेगा, हर फेस एक प्लेन बनाएगा। मैथ में भी पढ़ा होगा आपने, दो कोऑर्डिनेट मिलके एक प्लेन बनाते हैं। तो अगर हम देखें तो इसमें ध्यान रखिएगा प्लेन कौन कौन से होते हैं, पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन देते हैं। तो ये देखिए, जैसे मान लीजिए ठीक है, ये आपका 3D दिख रहा है, एक ये वर्टिकल प्लेन है, ये हॉरिजेंटल प्लेन है, ये इस तरीके से है, देखिए एक प्लेन ये है ना, एक प्लेन ये और एक प्लेन ये, ऐसे समझ में आ रहा है, ऐसे, ये 3D है। तो जो ये आपका ऊपर की तरफ दिख रहा है इसको हम कहते हैं वर्टिकल प्लेन, ठीक है, वर्टिकल प्लेन। और ये हॉरिजेंटल से मैच करता है, जैसे कमरे की एक ये दीवार जिस पे ये है और एक इसके जो परपेंडिकुलर नीचे जो बेस होगा वो मान लीजिए, तो वही बनाया है हमने, ठीक है। और अगर इसका अगर साइड वाली एक और, तो इसको हम बोलते हैं हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल प्लेन, ठीक है, वर्टिकल प्लेन, हॉरिजेंटल प्लेन। और अगर एक और प्लेन बनाए, तीसरा जो दिखाई देगा आपको, तीसरा प्लेन जो इसके परपेंडिकुलर है, इसको हम बोलते हैं प्रोफाइल प्लेन, प्रोफाइल प्लेन, ठीक है। अब देखिए, ये अभी हमने तीन आपको प्लेन बना के दिखाए, तीन प्लेन आपको बनाए, और उसको ये समझाने के लिए कि ये प्लेन कौन कौन से प्लेन जिस पे इमेज बनती है। अब तीन इसके अपोजिट साइड में भी होंगे, जैसे वर्टिकल के सामने एक और वर्टिकल होगा, ठीक है, ये हॉरिजेंटल के सामने एक ऊपर भी एक टॉप होगा, और ये प्रोफाइल प्लेन के इधर भी एक प्रोफाइल प्लेन होगा, छः, तो छों पे हम इमेज बना सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली नॉर्मल ड्राइंग्स में ये तीनों से काम चल जाता है वैसे तो, बट अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप छों प्लेन बना सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, एग्जैक्ट ड्राइंग बनती है, ठीक है। अब इसी प्लेन में अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा है, मान लीजिए जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट ऐसे करके रखा हुआ है ना, ये ऑब्जेक्ट रखा है इसमें, अब इसकी एक इमेज आपकी इधर बनेगी वर्टिकल प्लेन पे, ऐसे देखेंगे तो एक फेस, इसकी एक इमेज प्रोफाइल प्लेन पे बनेगी, एक इमेज ऊपर से जब देखेंगे तो नीचे बनेगी। तो ये डिफरेंट प्लेन्स ऑफ प्रोजेक्शंस हैं जिस प्ले, अब ये प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन का मतलब क्या, ये स्क्रीन्स हैं, बार बार मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, स्क्रीन जिस पे हम उसकी प्रोजेक्शन कैसा दिख रहा है वो बनाएंगे, ठीक है ना, जो हमें सामने से दिखेगा वो उस पे बनाया जाएगा। बात समझ में आ रही है, क्लियर हो रहा है। तो ये डिफरेंट प्लेन्स हैं, नाम याद रखिएगा, वर्टिकल प्लेन जो वर्टिकल है, हॉरिजेंटल प्लेन जो उसके परपेंडिकुलर है, ऑल थ्री आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, समझ में आ रहा है, क्लियर।
तो ये टाइप्स ऑफ प्लेन की बात हो रही थी, इसको ध्यान रखिएगा। प्रोफाइल प्लेन को कभी कभी हम ऑक्सिलरी प्लेन भी कहते हैं, ठीक है ना, अभी वैसे बताएंगे ही, ऑक्सिलरी प्लेन भी कहते हैं, ठीक है। और आगे देखते हैं इसमें, ठीक है। तो ये तो डिफरेंट प्लेन्स हो गए जिन पे हम बनाएंगे। अब कुछ और भी चीज़ें देखनी है हमें। तो ये प्लेन आपको समझ में आया, वर्टिकल प्लेन, हॉरिजेंटल प्लेन, ठीक है। अब मैथ्स में आपने एक चीज पढ़ी होगी, क्वाड्रेंट्स। क्वाड्रेंट्स तो वो भी देख लेते हैं हम, क्योंकि ड्राइंग में उसका भी बहुत इंपॉर्टेंस है, क्वाड्रेंट्स। तो अब मान लीजिए कि जो हमारा ये वर्टिकल प्लेन था, वर्टिकल प्लेन और हॉरिजेंटल प्लेन था, तो हमने कैसे बनाया था? ये वर्टिकल प्लेन था हमारा, ठीक है, ये हमारा हॉरिजेंटल प्लेन था। अगर हम हॉरिजेंटल प्लेन को आधा इस पार करके पीछे कर दें और इस वर्टिकल प्लेन को आधा पार करके नीचे कर दें, बात समझ में आ रही है? हॉरिजेंटल प्लेन को पार करके हम पीछे कर दें, ठीक है, आधा, और वर्टिकल प्लेन को भी आधा नीचे कर दें, तो देखिएगा कैसे दिखाई देगा। मैं उसी में बना दे रहा हूँ, आधा पीछे लेगा, ठीक है, देखिए आधा उधर ले गए। अब वर्टिकल प्लेन को भी आधा नीचे ले आए, तो देखिए ठीक है, ये देखिए, तो ये आपको दिख रहा है। तो इसी वर्टिकल प्लेन ने, ये पूरा वर्टिकल प्लेन था वीपी, ये हॉरिजेंटल प्लेन था। अब यही पीछे भी गया, यही वही है, हॉरिजेंटल प्लेन ही है, ये भी वर्टिकल प्लेन है, बट बैक एंड फ्रो चला गया, चार आपके वो बन गए। तो ये आपके एक वर्टिकल प्लेन और एक हॉरिजेंटल प्लेन मिला के एक क्वाड्रेंट बना दिया, क्वाड्रेंट। तो ये जो आपका होगा, ये जो आपका होगा, ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, ये हो गया सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है, ये हो गया आपका थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है ना। इसके ये और ये नीचे फोर्थ क्वाड्रेंट, ये वाला थर्ड क्वाड्रेंट जो पीछे दिख रहा है, और उधर ही बना दें, ठीक, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, ये आपको दिख रहा है 3D पिक्चर टाइप दिख रहा है। तो वो थर्ड हो गया पीछे वाला, आगे वाला फ्रंट पे, फर्स्ट ऊपर सेकंड इसके पीछे, बात समझ में आ रही है? तो फर्स्ट ये पूरा है, ये हॉरिजेंटल और ये वर्टिकल मिला के ये फर्स्ट, ठीक है, उधर ये सेकंड, ठीक, ये आपका फोर्थ है ना, ये आपका फोर्थ हो गया, हॉरिजेंटल और वर्टिकल नीचे, ठीक, और हॉरिजेंटल इधर और वर्टिकल ये ऐसे, ये आपका हो गया थर्ड, इधर जहाँ मेरा वो मार्कर है वो क्वाड्रेंट, ऐसे क्वाड्रेंट हो गए। तो ये चार क्वाड्रेंट आपने मैथ्स में भी पढ़ा होगा। बेसिकली हम इसको ऐसे बनाते थे, ऐसे, ठीक है, बेसिकली हम इसको ऐसे बनाते थे, और फोर क्वाड्रेंट हम कहते थे ये ओरिजिन होता था, तो ओरिजिन यही है, ठीक। अब ये 3D पिक्चर है, तो भाई उसमें भी तो देखिए ऐसे से आप कर सकते हैं ना, ये
बात समझ में आ रही है? पीछे भी इसके होगा, है ना, इस तरीके से। तो ये क्वाड्रेंट ही तो है, 3D बना दिया। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड चार क्वाड्रेंट्स हैं, ठीक है, और चारों क्वाड्रेंट मिलके चार व्यूज देते हैं, वही जो मल्टी व्यू प्रोजेक्शंस की बात कर रहे थे उसमें। तो जिस क्वाड्रेंट में आप बनाएंगे वो एक व्यू दे देगा। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में बना रहे हैं तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, सेकेंड क्वाड्रेंट में सेकेंड एंगल, थर्ड क्वाड्रेंट में थर्ड एंगल, फोर्थ में फोर्थ एंगल, ठीक है। तो क्वाड्रेंट्स आपको समझ में आ गए, कोई इसमें कन्फ्यूजन तो बता दीजिएगा, ठीक है, बात समझ में आई। अब देखिए कि क्वाड्रेंट जब वो लिखता है तो क्वाड्रेंट के ही हिसाब से आपको बताता है, जब क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में तो क्वाड्रेंट के टर्म्स में ही आपको बताएगा। तो आपको याद रखना होगा कि क्वाड्रेंट के टर्म्स में याद रखना पड़ेगा आपको कि जो क्वाड्रेंट वो बता रहा है किस क्वाड्रेंट में ऑब्जेक्ट को रख रहा है, क्वेश्चन में वर्ड्स में देगा। कई बार फिगर नहीं बनाया जाता क्वेश्चंस में, ध्यान रखिएगा, ईडी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम वहीं आती है बच्चों को। तो वो क्वेश्चन में आपको कहीं भी वो नहीं देगा, फिगर नहीं देगा, वो वर्ड्स में सब कुछ बताएगा। तो वर्ड्स में आपको पता करना पड़ेगा कि जो बोल रहा है उसके कहने के हिसाब से हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ रखा हुआ है, ठीक है ना। तो अब देखिए, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो उसमें क्वेश्चन में वो क्या बोलेगा। अगर यहाँ कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो देखिए कैसे वो बोलता है, ड्राइंग में लैंग्वेज कैसे बोली जाती है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, क्वेश्चन में ऐसे ही देगा, बिल्कुल क्वेश्चन नहीं दे जैसा बोल रहा हूँ, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ वीपी, वर्टिकल प्लेन, वर्टिकल प्लेन है, इसके सामने रखा है, फ्रंट का मतलब सामने, वर्टिकल प्लेन के सामने ऑब्जेक्ट रखा है। अब देखिए, खाली वर्टिकल प्लेन के सामने रख देने से ये डिसाइड नहीं होगा कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, क्योंकि वर्टिकल प्लेन के सामने तो फोर्थ क्वाड्रेंट में भी रखा जा सकता है, वर्टिकल प्लेन ये है, इसके सामने रख दिया। तो दो चीज़ें वो हमेशा देगा, तब पता चलेगा, दो प्लेन से ही पता चलेगा कि क्वाड्रेंट कौन सा है, इसीलिए हमने देखिए दो प्लेन ही बनाए हैं। तो ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ वीपी, वर्टिकल प्लेन के सामने, एंड अबव एचपी, हॉरिजेंटल प्लेन से ऊपर रखा है। हॉरिजेंटल प्लेन के ऊपर रखने का मतलब और वर्टिकल प्लेन के सामने रखने का मतलब भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, कोई कंफ्यूजन इसमें? तो क्वेश्चन हमेशा ऐसे ही देगा, और आपको पता करना पड़ेगा कि आपका ऑब्जेक्ट कहाँ है। अब आप इसको जैसे ही समझेंगे तो पिक्चर उचर नहीं बनाएगा, वो फिगर नहीं बनाएगा, अब आप समझ जाएंगे कि भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन वाली ड्राइंग बननी है, बात समझ में आ गया, ठीक है। अगर वो सेकेंड क्वाड्रेंट है, सबका लिख लेते हैं, अब तो आप समझदार हो गए हैं, खुद ही लिख सकते हैं, तो बोलिएगा क्या बोलेंगे हम, ऑब्जेक्ट सेकेंड क्वाड्रेंट, ऑब्जेक्ट, देखिए ये वीपी है, बिहाइंड, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिहाइंड, पीछे, बिहाइंड वर्टिकल प्लेन, बिहाइंड वीपी, फ्रंट में था, बिहाइंड है, बिहाइंड वीपी एंड अबव एचपी, अभी भी हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर ही होगा तो सेकेंड क्वाड्रेंट, बात समझ में आ रही है। ऐसे ही थर्ड क्वाड्रेंट के लिए, थर्ड क्वाड्रेंट आप लोग बताइए, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, देखिए ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन बिहाइंड, बिहाइंड वीपी, वीपी के पीछे, एंड एंड वेरी गुड, बिलो एच पी, बिलो एच पी, बात समझ में आ रही है। वर्टिकल प्लेन के पीछे और एच पी से नीचे अगर है तो वो थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, ठीक है। ऐसे ही चलिए, बहुत बढ़िया, फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए बताइए, ठीक, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट, बताया था फ्रंट फोर्थ में भी होगा, फ्रंट ऑफ वीपी, वर्टिकल प्लेन के आगे, एंड गुड, बिलो एचपी, हॉरिजॉन्टल प्लेन के नीचे। तो अगर वर्टिकल प्लेन के सामने और हॉरिजॉन्टल प्लेन के नीचे है तो वो क्या हो जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट हो जाएगा, बात समझ में आ रही है।
क्लियर है? तो ये डिफरेंट क्वाड्रेंट्स हैं, और डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है क्वेश्चन में आपको इसी तरीके से देगा। सहूलियत के लिए आप ध्यान रखिए कि हमेशा वो फर्स्ट और थर्ड में ही देगा, क्योंकि सेकंड और फोर्थ में ड्राइंग नहीं बनाई जाती, वो आगे पढ़ेंगे हम। तो सेकंड और फोर्थ आपके लिए बेकार है, फर्स्ट और थर्ड का खाली याद रखिए। और याद क्या रखना है, बात समझ में आ गई तो याद रखने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन में जब आएगा तो आप खुद ही समझ लेंगे कि कहाँ पर रखा हुआ। तो ये क्वाड्रेंट्स थे, क्वाड्रेंट्स के हिसाब से, क्योंकि जब आपको क्वेश्चन देगा तो वो ऑब्जेक्ट आपको क्वाड्रेंट्स में बताएगा कौन से क्वाड्रेंट में रखा है, तो आपको समझना पड़ेगा, वो फिगर नहीं देगा, ठीक है ना? बात समझिएगा, क्योंकि ड्राइंग जो है, ईडी जो है, वो विजुलाइजेशन से भरा हुआ है। जितना अच्छा आपका विजुलाइज करेंगे आप ड्राइंग को अपने दिमाग में, जितना जो मैं बता रहा हूँ उसको दिमाग में उसी समय पिक्चर बनाते चलिए कि अच्छा ये ऐसे, अच्छा ये ऐसे हो रहा है, तो फिर आप ईडी को आसानी से समझ सकते हैं। बट अगर खाली कान से सुनेंगे, एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया, तो फिर क्लियर नहीं होने वाला। ये बात समझ में आ रही है? चलिए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देख लेते हैं जो आगे चल के यूज होंगे, इम्पॉर्टेंट टर्म्स, ठीक है? तो इम्पॉर्टेंट टर्म्स में जो पहला लाइन है उसको बोलते हैं रेफरेंस लाइन, रेफरेंस लाइन और ग्राउंड लाइन, ठीक है? ग्राउंड लाइन, रेफरेंस लाइन या ग्राउंड लाइन, इट इज इंटरसेक्शन ऑफ, इट इज इंटरसेक्शन ऑफ, इंटरसेक्शन ऑफ वर्टिकल प्लेन एंड हॉरिजेंटल प्लेन। हॉरिजेंटल प्लेन और वर्टिकल प्लेन का जो इंटरसेक्शन होता है, जो अभी हमने बनाया था ये, तो ये वाली, यही तो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है ना, ये वाली, ये, तो इसी को हम बोलते हैं ग्राउंड लाइन और रेफरेंस लाइन, ध्यान रखिएगा, ठीक है? और इसको हम हमेशा एक्स वाई, स्टैंडर्ड है ये ड्राइंग का, हमेशा इसको एक्स वाई नाम से इस लाइन को हम दिया जाता है, ध्यान रखिएगा। वो आप जो मैथ्स में करते होंगे कि ऐसे क्वाड्रेंट बनाए एक्स एक्स डैश, अरे एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, ऐसा नहीं है यहाँ, ठीक है ना? सीधे इसी लाइन को ही एक्स वाई बोला जाता है, तो ध्यान रखिएगा, कन्फ्यूज़ मत होइएगा इसमें, क्लियर? एक्स वाई इसको बोलते हैं, ठीक है? तो ये आपका हो जाएगा रेफरेंस लाइन और ग्राउंड लाइन, ठीक है? सेकंड जो है आपका, अब ये वर्टिकल प्लेन, इसी को डिफाइन करते हैं, वर्टिकल प्लेन और एलिवेशन, एलिवेशन, ध्यान रखिएगा, वर्टिकल प्लेन को ही हम एलिवेशन भी कहते हैं, ठीक है? वर्टिकल प्लेन को ही हम एलिवेशन भी कहते हैं। वर्टिकल प्लेन मतलब विच इज वर्टिकल टू ग्राउंड लाइन, ठीक है ना? ग्राउंड लाइन के जो वर्टिकली अबव है उसको हम बोलते हैं वर्टिकल प्लेन, एलिवेशन। अच्छा, अब इसका नाम एलिवेशन याद रखिएगा, क्योंकि जब भी आप ड्राइंग पढ़ते हैं या एग्जाम देंगे तो वहाँ भी आपसे जो एग्जामिनर होगा या जो भी टीचर होता है वो हमेशा आपसे एलिवेशन नाम से बोलता है, वो कभी भी आपको वर्टिकल प्लेन नहीं बोलेगा, बोलेगा कि इसका एलिवेशन बनाओ, किसी भी ऑब्जेक्ट का एलिवेशन बना के दिखाइए। तो अब याद रखने की बात यह है कि क्यों वर्टिकल प्लेन का नाम एलिवेशन रखा गया, क्योंकि वर्टिकल प्लेन में, वर्टिकल प्लेन में जो फिगर बनाया जाता है, जो भी एक्सप्रेशन जो भी बनाया जाएगा, वो इन वर्टिकल प्लेन, इन वर्टिकल प्लेन द प्रोजेक्शन, द प्रोजेक्शन गिव्स द, द हाइट, द आइडिया ऑफ, द आइडिया ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है ना? तो जो वर्टिकल प्लेन होता है वो प्रोजेक्शन, वर्टिकल प्लेन में जो प्रोजेक्शन बनाया जाता है वो ऑब्जेक्ट की हाइट के बारे में हमें आइडिया देता है, ठीक है ना? जैसे हाइट ऑफ बिल्डिंग, ठीक है ना, हाइट ऑफ बिल्डिंग, ठीक है ना?
तो इसको हम बोलते हैं एलिवेशन, मतलब एलिवेटेड कितना है। एलिवेशन कहां से आया है, एलिवेटेड कितना है, ठीक है ना, हाउ मच एलिवेटेड। प्रोजेक्शन लाइन हाइट ही बताएगी, तो कितना वो एलिवेटेड है, ठीक है ना, इसीलिए इसका नाम एलिवेशन पड़ा। इसको हम एलिवेशन कहते हैं कि कितना वो हाइट उसकी कितनी है, वो ऑब्जर्वेशन इसी व्यू से पता चलता है। तो वर्टिकल प्लेन एलिवेशन, ठीक है, वर्टिकल प्लेन पे या जिस पे एलिवेशन बनाते हैं, इसीलिए हम वर्टिकल प्लेन को एलिवेशन भी कहते हैं। इस पे जो ड्राइंग बनती है, जो मिलती है, वो हमें हाइट के बारे में जानकारी देती है, ठीक है। और इस पे नॉर्मली जो हमारा बनाया जाता है उसको हम वो कहते हैं, सॉरी सॉरी, प्लेन को हम एलिवेशन नहीं कहते हैं, इसको ऐसा कीजिए कि फ्रंट व्यू कर दीजिए। बात वही है, फ्रंट व्यू वर्टिकल प्लेन पे ही बनता है। व्यू को एलिवेशन कहते हैं, प्लेन का नाम तो एलिवेशन नहीं हो सकता ना, जो व्यू है, जो चित्र है उसको बोलेंगे। तो द फ्रंट व्यू प्रोजेक्शन गिव्स द आइडिया ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। तो फ्रंट व्यू को हम एलिवेशन कहते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। फ्रंट व्यू, और एक होता है टॉप व्यू, टॉप व्यू और प्लान, टॉप व्यू और प्लान। टॉप व्यू को हम प्लान कहते हैं, फ्रंट व्यू को एलिवेशन और टॉप व्यू को प्लान। तो टॉप व्यू क्या होता है, विच इज हॉरिजेंटल टू ग्राउंड लाइन और रेफरेंस लाइन, जो ग्राउंड लाइन से हॉरिजेंटल है, ऊपर से जो देख रहे हैं, टॉप व्यू जो बन रहा है, ठीक है ना। अब इसको प्लान क्यों कहते हैं, प्लान को कहते हैं क्योंकि जैसे कभी आपने आर्किटेक्चर में देखा होगा, आपको कहा जाता है कि फ्लोर प्लान क्या है, फ्लोर प्लान, जो हम प्लानिंग बनाते हैं किसी चीज़ की, कि उसका इट गिव्स प्लानिंग ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, दैट इज, इसीलिए इसका नाम प्लान होता है, ठीक है ना, प्लान बोलते हैं, प्लान्स, टॉप व्यू और प्लान्स। तो प्लान बोलते हैं इसको क्योंकि ये प्लान बताता है, जैसे आप घर जब बनाते हैं तो आप जो उसका बेस होता है, जो ज़मीन होती है, उसी पे आप डिफाइन करते हैं ना कि कहाँ पे बाथरूम होगा, कहाँ पे किचन होगा, कहाँ पे सारी चीज़ें होंगी, कमरा कहाँ होगा, बेडरूम कहाँ होगा, ड्राइंग रूम कहाँ होगा, लिविंग रूम कहाँ होगा। तो बेसिकली आप उसके बेस पे ही सारा डिज़ाइन करते हैं, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे ही, ज़मीन पे ही, इसीलिए उसको हम प्लान कहते हैं, जिस पे, जिस जगह से आपको प्लान का आइडिया मिले कि ऑब्जेक्ट का प्लान कैसा है, इसीलिए इसको टॉप व्यू को जो ऊपर से हम देख रहे हैं उसको हम प्लान कहते हैं, और फ्रंट व्यू को हम एलिवेशन, क्योंकि वो हाइट एक्सटेंट को बताता है, ठीक है ना, ये कितनी हाइट है उसकी। बात समझ में आ रही है, तो टॉप व्यू को प्लान, फ्रंट व्यू को एलिवेशन, ठीक है। ये डिफाइंड टर्म्स हैं, कभी कभी डायरेक्टली आपसे पूछा जाता है, थ्योरी पेपर होगा इसका, ड्राइंग का, उसमें छोटे छोटे डिफाइंड टर्म्स में, ठीक है। फोर्थ आपका है, अब ले लेते हैं वर्टिकल प्लेन, पता तो आपको है ही, वर्टिकल प्लेन। तो वर्टिकल प्लेन दैट इज वर्टिकल टू ग्राउंड लाइन, ठीक है ना, ग्राउंड लाइन से जो वर्टिकल है उसको हम वर्टिकल प्लेन कहते हैं, ऑन विच फ्रंट व्यू प्रोजेक्शन, फ्रंट व्यू प्रोजेक्शन इज ड्रॉन, जिस पे हम फ्रंट व्यू प्रोजेक्शन ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना। ऐसे ही आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन दैट इज HP VP, तो इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल टू ग्राउंड लाइन, ऑन विच टॉप व्यू प्रोजेक्शन इज ड्रॉन, जिस पे टॉप व्यू प्रोजेक्शन ड्रॉ किया जाएगा उसको हम हॉरिजॉन्टल प्लान या HP कहते हैं। बात समझ में आई,
तो वर्टिकल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है, और इसके बाद जो होता है उसको हम बोलते हैं प्रोफाइल प्लेन, प्रोफाइल प्लेन, ठीक है, पीपी, प्रोफाइल प्लेन, परपेंडिकुलर टू बोथ वर्टिक वीपी एंड एचपी, जो एचपी और वीपी दोनों के परपेंडिकुलर हो उसको हम प्रोफाइल प्लेन कहेंगे, ठीक है। और ये हमारा टू ड्रॉ, यूज टू ड्रॉ प्रोफाइल व्यू। प्रोफाइल व्यू का क्या मतलब होता है, जैसे मान लीजिए कि हमने कहा था कि हम ऐसे इसको देख रहे हैं, तो एक तो इसका हो गया फ्रंट व्यू जो हम सामने से देख रहे हैं, ये पीछे बन जाएगा, एक हो गया टॉप व्यू, हम ऐसे देख रहे हैं नीचे जाके बन जाएगा, ठीक है। अब क्या है कि इन दोनों से ही इसका कंप्लीट आइडिया नहीं मिलेगा, तो कंप्लीट आइडिया के लिए हम एक अलग प्लेन पे भी उस इमेज देखते हैं, तो इधर से भी हम एक बार देख के, अब इधर से देखेंगे तो बनेगा उधर, या इधर से देखेंगे तो बनेगा इधर, तो वो जो तीसरा प्लेन जो भी हम चूज करेंगे, अब फ्रंट व्यू और टॉप व्यू के अलावा चाहे ये वाला करें, चाहे ये वाला करें, चाहे ये ऊपर वाला प्लेन करें, चाहे पीछे वाला करें, ये सारे आपके प्रोफाइल प्लेन बोले जा सकते हैं, ठीक है, जिस पे हम प्रोफाइल व्यू बनाते हैं, क्योंकि ये प्रोफाइल दिखाता है। देखिए ये प्रोफाइल दिखा रहा है ना, देखो कैसे यहाँ से ये टेढ़ा हो रहा है, ऊपर से भी हम देख रहे हैं तो हमें एक ट्रेपेजियम दिखाई दे रहा है, सामने से देख रहे हैं, देखिए ऊपर से जब ये वाला ट्रेपेजियम दिखाई देगा, यहाँ से हमें रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है, बट जब हम प्रोफाइल व्यू तीसरा पर बैठे तो प्रोफाइल बता रहा है, देखो ऐसे यहाँ पे टिल्ट कुछ एंगल पे, प्रोफाइल, प्रोफाइल बोलते हैं कि उसका शेप कैसा है, तो वो हमें कुछ प्रोफाइल प्लेन से पता चलता है, इसलिए इसको हम प्रोफाइल, हमें बताता है कैसी प्रोफाइल है हमारे ऑब्जेक्ट की, इसलिए हम इसको प्रोफाइल प्लेन कहते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है आपका ऑक्सिलरी प्लेन, ऑक्सिलरी प्लेन, ऑक्सिलरी का मतलब होता है एक्स्ट्रा तरीके से, आप समझ सकते हैं ऑक्सिलरी, जो हम एडवांस देने के लिए और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए, मतलब अभी भी अगर हम वैसे तो हम ये चीज़ें लें और तीन से हम देखें तो लगभग हमें पता चल जाएगा, बट फिर भी अभी देखिए कि पीछे का जो ये चीज़ें जो इसमें बनी हुई हैं, ये हमें अभी प्रोफाइल प्लेन में भी नहीं दिखाई दे रहा है ना, एग्जैक्ट नहीं हो रहा है, तो हम उसके अलावा और भी प्लेन्स यूज़ करेंगे, तो इन तीनों के अलावा अगर हम जितना भी प्लेन यूज़ करेंगे वो सारे के सारे ऑक्सिलरी प्लेन में जाएंगे। देखिए नॉर्मली वर्टिकल प्लेन होता है, हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है, तीसरा एक और प्लेन हम लेते हैं तो वो प्रोफाइल प्लेन में जाएगा, उसके अलावा अगर हमें और ज़रूरत पड़ती है फॉर द एग्जैक्टनेस ऑफ आवर ऑब्जेक्ट तो हम ऑक्सिलरी प्लेन का इस्तेमाल करते हैं, इन्हीं में से जो प्लेन है वही ऑक्सिलरी प्लेन है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, ध्यान रहेगा। और ये सारे थे आपके डिफरेंट आपके ठीक है ऑक्सिलरी प्लेन। तो दूसरी चीज टू ड्रॉ द प्रोफाइल व्यू, और प्रोफाइल व्यू और साइड व्यू, ठीक है, और आपका जो वो होता टॉप व्यू और फ्रंट व्यू तो हमने बता दिया, टॉप व्यू और फ्रंट व्यू बता दिया, और सारे कई सारे व्यूज आते हैं उसमें ध्यान रखिएगा अलग में, ये जैसे साइड व्यू, वही जो प्रोफाइल प्लेन पे जो डायग्राम बन रहा है, जो साइड से देख रहे हैं, इस साइड से देख रहे हैं तो राइट हैंड साइड व्यू, साइड व्यू का मतलब राइट हैंड साइड व्यू, ठीक, लेफ्ट हैंड साइड व्यू, ठीक, बॉटम व्यू, बॉटम व्यू, तो ध्यान रखिएगा ये साइड व्यू में सारे आ जाते हैं, एक बॉटम व्यू भी होता है, साइड का मतलब साइड से, बॉटम व्यू एक अलग, इसको अलग ले लीजिए, मान लीजिए बॉटम व्यू, बॉटम व्यू का मतलब एक तो आपने ऊपर से देखा टॉप से तो बिना, एक अगर नीचे से देख रहे हैं तो ये बॉटम व्यू, किसी किसी सब्सटेंस में ये भी ज़रूरत हो सकती है, बात समझ में आ रही है, मैंने आपको फिर से बताया था, तो ये बॉटम व्यू हो गया, साइड व्यू जो साइड से देख रहे हैं, ठीक है, राइट हैंड साइड व्यू, लेफ्ट हैंड साइड व्यू, टॉप और फ्रंट और टॉप तो आपको पता ही है पहले से, तो ये डिफरेंट टर्म्स हैं,
जो आपसे कभी कभी पूछे जाते हैं, इसको बता दीजिएगा। इनकी डेफिनेशन आप अपने वर्ड में कुछ भी लिख लीजिए। साइड व्यू मतलब द व्यूज विच इज टेकन फ्रॉम द साइड, ठीक है, दैट इज क्लासिफाइड एज राइट हैंड साइड व्यू और लेफ्ट हैंड साइड व्यू। द ऑब्जेक्ट इज वेन लुकिंग फ्रॉम राइट हैंड साइड, दैट इज नोन एज राइट हैंड साइड व्यू, एंड वेन ऑब्जेक्ट इज लुकिंग फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, दैट इज लेफ्ट हैंड साइड व्यू। बॉटम व्यू वेन ऑब्जेक्ट इज लुकिंग फ्रॉम द बॉटम एंड प्रोजेक्टेड टू द टॉप, ऊपर बनेगी, ठीक है ना। चलिए वो सब कहाँ बनेगा वो तो बात की बात है। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्यूज, ये डिफाइंड टर्म्स थे जो कभी कभी पूछे जाते हैं, इनका पता होना चाहिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा इनको, ठीक है।